गाइस वेलकम माय चैनल मनीषा रानी सीला की जवानी और आज के यूट्यूब ब्लॉग में हम आपको अपना आप पता है कि और इस मंथ के दो तीन तारीख को ही हुए थे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था इतना ज्यादा बिजी थे इसलिए बीस दिन पूरा लग गया इस घर को डेकोरेट करने में तो चलिए दिखाते मनीषा रानी का गैस आइए तो ये मेरा एक छोटा सा उडन अलमीरा है जिसमें मैंने अपना सैंडल शिफ्ट किया है अभी तो सैंडल जैसे तैसे होगा आप देख सकते हैं सारे बॉक्सेस में सैंडल 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 और ये रहा मेरा क्यूट साफी बियर तो फिलहाल घर बहुत अच्छा बन चुका है और ये थोड़ा गंदा हो गया साइड तो में बाद में ले चलेंगे तो आगे बढ़ते हैं और ये हमने बनाया है अपना कॉर्नर सेक्शन जहां पे ये छोटा सा टीवी है जब भी कोई घर पे आता है नीचे से पहले इस पे कॉल आता है घंटी बजता है इसी से हम लोग को पता चलता है घर के बाहर कौन है और यहाँ हमने एक प्लांट लगाया है सब प्लांट लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और ये है मेरा फेवरेट मिरर जिसके बिना लाइक ये मेरा पुराना मिरर है ऑलरेडी इस घर में बहुत हम खर्चा कर चुके हैं तो हम सोचे पुराने मिरर पे ही मैंने दिमाग लगाया ये उडन का फ्रेम बनवा दिया लकड़ी का और इस पर पे पेंट करवा दिया तो ये एक न्यू मिरर बन गया और इसके नीचे आप ये देख सकते हैं ये मैंने पर जिसको पैर पोछने वाला को क्या बोलता है यार जो भी वॉट पैर पोछना बोलता है हाँ। जो भी है तो हम लोग ने इसका फर्क इसको खरीद लिया और दो साइड में कैंडल रख दिया जिससे ये एक सुंदर देखने में लगेगा और जब भी हम लोग मोबाइल से फोटो शूट करेंगे एज यू नो लड़की का तो मिरर सेल्फी तो फेवरेट रहता है तो जिस घर में लड़कियां हो वहां पे मिरर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता तो अभी आने वाले टाइम में हम इस मिरर में बहुत सारा फोटो शूट करने वाले हैं होप यू गाइज लाइक दिस वाला एरिया और ये पेंटिंग तो सब व्हाइट व्हाइट कराए हैं ये सब रखना था तो इसलिए ये कर्टन हम लोग लगवाए हैं और अब ब्लीव नहीं हमको नहीं पता था कि कर्टन इतना महंगा हो गया है क्या है आप बोलेगा मनीषा प्राइस बता रही बट अपने एक्सपीरियंस से बता रही है। ये सब कर्टन मेरे तीनों रूम में कर्टन लगाने का मतलब बोलो फिफ्टी फाइव थाउजेंड बोल रहे थे तो हम पहले बोले कि फिफ्टी फाइव थाउजेंड कटिन का बक्स आला हम तो देंगे नहीं नहीं तो फिर हम वापस आ गए बट मुझे ना एकदम सुंदर घर को दिखाना था बनाना था फिर हम गए और भी जगह मेरी बहन को बोले जा पता पता लगा के दे इतना महंगा पैसे देगा क्या फिर जब दो तीन जगह घूम के आए तो वो क्वालिटी नहीं मिल रहा था तो फिर लास्टली जाके यही कटिन लगवाए भैया को बहुत कन्विंस करके दस हजार रुपया कम करवाए तो फोर्टी फाइव थाउजेंड में मेरे तीनों दे रहे हैं लगाए कर्टन विच इज एक्सपेंसिव मतलब मुझे लगता है कि कर्टन में इतना पैसा बट मुझे लगता है जितना आप आगे बढ़ोगे आपका डिमांड बढ़ेगा आपका चॉइस लगेगा नहीं मुझे ये करना है तो फिर पैसा भी देना पड़ता ना फेंकना पड़ता क्या कीजिएगा और देखिए ये रहा हमारा सोफा तो आप सोफा देख सकते हैं ये एक दो तीन तीनों सेट मिला है सोफा का और मुझे ये सोफा बहुत ज्यादा पसंद आया है हम लोग मतलब हम लोग जब सोफा देखे तो बोले फटाक से सोफा ले ले और उसके साथ हमने ये एक टेबल ऑर्डर किया क्योंकि ये टेबल ये टेबल सोना का टेबल है पता है कि नहीं सोना से बनवाए हैं मजाक कर रहे हैं कोई सोना ओना करना है इतना सोना का कहाँ से बना लेंगे टेबल हाँ लेकिन ये टेबल बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था तो हम लोग चलो यही टेबल रखते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा ये तो बनता था क्योंकि फिर टेबल इसके बिना देखिए कैसा लग रहा है तो इसके साथ कितना प्यारा लग रहा है तो और एक ये इसको क्या बोलते हैं यार हमको इतना नहीं पता इसको क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं दड़ी उड़ी जो भी, इससे घर थोड़ा अच्छा खिलता है अच्छा लगता है तो ये रहा मेरा सोफा वाला पार्ट और ये एक झूमर लगाए क्योंकि ये वीडियो में बड़ा प्यारा आता यू नो आई जस्ट लव दिस सोफा दिस वॉल कलर दिस पेंटिंग दिस टेबल आई जस्ट लव द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ माई होम एंड लिटरली आई एम इन लव विद होम वादी इतना फटाकेदार इंग्लिश कैसे सब डुओलिंगो लिंगो का कमाल है ये क्या है ये बेस्ट फ्री लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है जहां तुम 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकती हो जैसे कि हिंदी से इंग्लिश स्पेनिश जर्मन फ्रेंच जस्ट इमेजिन वादी रीड तो कर लेते हम बट एक्सेंट समझने और बोलने में प्रॉब्लम होता है यही तो इसका बेस्ट बात है इसमें तुम रीडिंग और लिसनिंग दोनों सीख सकती हो और तुम का पता है एक दिन सीखोगी पहली बार कुछ करने का मेरा हैबिट बनेगा वैसे बेसिक इंग्लिश मेरे को आती है बेस्ट बात तो ये भी है इसमें ना लेवल्स होता है और जैसे जैसे तुम अपना लेवल क्रॉस करते जाओगी तुम्हारी इंग्लिश और एडवांस होते जाएगी अरे दी तो करके दिखाओ ना अरे बहुत इजी है एकदम गेम की तरह कब तुम फटाकेदार इंग्लिश बोलना सीख जाओगे तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा देखो माय होम मेरा घर माय होम इज ब्यूटीफुल मेरा घर सुंदर है वादी ये तो बड़ा कूल ऐप है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डाउनलोड कर लो मैं जा रही हूँ अभी ये डुलंगो ऐप डाउनलोड करने जा इंग्लिश सीखो पढ़ा के के इस वाले वॉल को मैंने खाली रखा है ये सोच क्योंकि मुझे लगा कि जब भी हम कुछ डांस वीडियो बनाएंगे तो ये वाला वॉल मुझे यूज करना है क्योंकि धूप उधर से आएगा तो ये वाला सेक्शन मुझे ऐसे खाली चाहिए था जिसमें हम डांस वीडियो कुछ बना सके इसलिए इस वॉल में मैंने कुछ भी नहीं करवाया इस वाले वॉल में मैंने ये पेंटिंग लगवाई है क्योंकि मुझे ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो इसके अंदर भी बहुत सारा घर का सामान है इसमें आई थिंक हाँ आई थिंक इसमें मेरे सारे बैग्स हैं कैप है तो ये सारे मेरे घर के सामान से भरा हुआ है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ माई होम इज़ पहले मैं सैंडल उतार लेती हूँ क्योंकि ये छोटा सा मंदिर है तो ये पहले तो गणपति बप्पा एज यू नो कि हम uh, मुंबई में और गणपति बापा का आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक गणेश भगवान तो घर में बनता है और ये मंदिर हमने ऑर्डर करके बनवाया है आप ये मंदिर देखिए हाँ अभी आज ही सब कुछ शिफ्ट हुआ है क्योंकि इसमें अभी चुंदरी आने वाला है सब कुछ आने वाला है तो अभी ये एक मंदिर है छोटा सा और इस वाले बॉक्स में अगरबत्ती टीका हनुमान चालीसा सब इसमें रखे हैं और तो ये छोटा सा एक प्यारा सा मंदिर बना है क्योंकि मेरा मानना है कि जिस घर में मंदिर ना हो भगवान ना हो वो घर घर ही नहीं होता तो एक घर में मंदिर होना तो कंपलसरी होना ही चाहिए और ये मेरे बैलकनी का ये एरिया है जहाँ पे मैंने ये एक पॉट लगाया है पहले आप ये देख सकते हैं ये एक सुंदर सा पॉट क्योंकि मेरे को घर में ना ऐसे पॉट और प्लांट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ये एक सेक्शन है जहाँ पे टीवी एक्चुअली में लगता है लेकिन फिलहाल हम लोग ने टीवी नहीं खरीदा क्योंकि सच में हम लोग के घर में टीवी कोई नहीं देखता है तो हम लो, हम लोग हम लोग सोचे टी वी लेने का लेकिन कुछ दिन बाद लेंगे फिलहाल नहीं तो इस इस वाले सेक्शन में मैंने तब तक क्या किया कि ये जो भी मुझे ट्रॉफी मिला है अभी तक ट्रॉफी 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 और ये है मेरा सिल्वर बटन मतलब मुझे गोल्डन बटन भी मिलता लेकिन मेरे यूट्यूब पर एक स्ट्राइक लग चुका था एक बार तो जिसकी वजह से गोल्डन बटन नहीं मिल पाया और ये ये भी कैंडल है ये भी बहुत प्यारा कैंडल है ये भी कैंडल और इसमें मेरे सारे सामान हैं, और इसमें मैंने एक बॉक्स बनाया जिसमें चार्जर मोबाइल क्योंकि ये चीज ना हमेशा यूज होता है तो मुझे लगा बाहर ऐसे गंदा ना दिखे हमेशा इधर उधर इसलिए हमेशा जो भी रहेगा तो इसमें चार्जर रहेगा मोबाइल रख दो साइड में रख दो घर भी साफ सुथरा दिखेगा मनीषाने की तरह ओके और अब हम आते हैं इस वाले एरिया में सबसे पहले तो ये पहले वॉल का लेते हैं ऊपर का दिखा दो ना वहाँ पे हाँ वहाँ पे हमने वॉच लगाया ठीक है कॉर्नर में और और, और और उसके बाद लुक एट दिस पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग जो कि बहुत प्यारा है और फिर उसके बाद आप ये कर्टन देख सकते हैं क्योंकि हम लोग ने सब मैचिंग किया इसको मैंने बहुत प्यार से सजाया है क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि मुझे खुला आसमान बैलकनी कितना ज़्यादा पसंद है तो देखिए पहले इस बैल्कनी को सुंदर बनाने के लिए हम ग्रास मैट लगाए हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जब बैलकनी में से ग्रास रहता है तो बहुत अच्छा फील आता है तो ये ग्रास मैट लगाए हैं और ये इतना सारा पेड़ लगाए हैं कल ही हम बहुत सारा लोखंड वाला से पेड़ खरीद के लाए हैं और ये सब ये सब गमला जो है गमला हम लोग तो गमला ही बोलते हैं वैसे इंग्लिश में इसको पॉट वॉट बोलते होंगे ना तो जो भी है वॉड एवर तो कल हम लोखंड वाला से इतना सारा पेड़ खरीद के लाए हैं फिर इसको ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और सारा हम इसमें तुलसी का पेड़ लगाएँ क्योंकि तुलसी से घर लाइक पूजा पाठ होता है तो तुलसी का पेड़ गुलाब का फूल ये गेंदा का फूल है और ये अरहुल अरहुल का फूल है और आज ही आप बिलीव नहीं कीजिएगा जब हम यहाँ लेके आए थे तो बस एक फ्लार था और ये आज सुबह हुआ है और ये भी कोई फूल है कलर अच्छा लग रहा था तो ले लिया हमको पता नहीं इसका नाम और ये एलोवेरा का है ये भी एलोवेरा है बस एक मनी प्लांट छूट गया जिसको लाने वाले हैं और ये छोटा छोटा देख सकते हैं इसमें भी फ्लावर्स है इसमें भी फ्लावर्स है इसमें भी ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा बैल्कनी और ज्यादा अच्छा लगेगा तो ये लगा दिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो छोटा छोटा लैम्प लगाए हैं जिससे ये बैलकनी में फील आएगा जब अंधेरा होगा ना उसके बाद ये बैलकनी दिखाएंगे आपको तो ये दो लैम्प है और ये एक कोट्स है जो हमने लगाए हैं आइडिया बी पॉजिटिव कीप हार्ड हार्डवर्क बी टैलेंट अचीवमेंट तो ये मैंने कुछ ये स्टार लगवाए हैं ये स्टार वाला लाइट्स लगाए हैं जिससे थोड़ा बैल्कनी का जो फील है ना मजा आएगा गाइज आप बिलीव नहीं कीजिएगा हम हमेशा से जब से मुंबई में आई थिंक दो ढाई साल से रह रहे हैं और हम हमेशा बोलते थे कि मुझे बैल्कनी वाला घर चाहिए बैलकनी वाला घर चाहिए और फाइनली जब हम बैलकनी वाला घर में रह रहे हैं तो मुझे इतना सुकून मिल रहा है और ये सारे बिल्डिंग ये खुला आसमान ये सब मेरा फेवरेट हम बता नहीं सकते और ये सारा बिल्डिंग का लाइट ऑन होता है बहुत अच्छा लगता है और मेरे को ये व्यू दिखाना था बट नाउ वी आर शूटिंग एट अराउंड अभी डेर बज रहा है हम लोग डेढ़ बजे रात को शूट कर रहे हैं जिसके वजह से ये सारे बिल्डिंग का लाइट ऑफ हो चुका है वरना ये सारा लाइट ऑन होता है तो बहुत प्यारा लगता है ये व्यू और अब आगे बढ़ते हैं अपने घर की तरफ ये ये है पहले बाथरूम दिस इज कॉमन बाथरूम जिसको हम इतना ज्यादा तो अभी फिलहाल नहीं सजाए हैं एक ये सुंदर वाला हैंड वॉश लाए थे स्टैंडर्ड वाला एक्चुअली डेटोल में ही इतने दिन से रखे थे लेकिन अभी ब्लॉग के लिए और जब कोई मेहमान आता है उसके लिए हम लोग ये अच्छा अच्छा हैंड वॉश ला के रखे हैं कि कभी जब लोग आएंगे तो या फिर वीडियो में हम लोग अच्छा वाला करके ये कर लेंगे जो मेरा भाई यूज करता है और ये रहा पहला कमरा जो हम रोहित को दे दिए कि चल ले तू रख ले और ये है ये बेड है ये वॉड्रॉप है और हमने मैचिंग इसका कर्टन्स लिया है मतलब ऑलमोस्ट पूरा बहुत ज़्यादा मैचिंग नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है क्योंकि थीम ऐसा ही था कि सब कुछ लाइट रखना है और यहाँ पे हमने फैमिली फोटो लगाया है ये इसलिए लगाया क्योंकि मेरा मानना है कि लाइक हमारे फैमिली तो फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ तो नो no डाउट दिल से तो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं लेकिन अगर रोज अपने घर में लोग अपने पेरेंट्स को अपने घर वाले को देखते रहेंगे ना तो एक रिमाइंडर रहता है कि हाँ कुछ भी कर लो घर वाले को किसी भी हालत में भूलना नहीं है तो ये है हमारे चारों भाई बहन का फोटो सिबलिंग मैं हूँ मेरे सबसे बड़े भैया हैं रोहित है दीदी है ये हो गया ये मिशिका मेरी जान प्राण और ये मेरे पूरे फैमिली का फ़ोटो है तो इतना बहुत जितने भी फैमिली मेम्बर हैं अंकल आंटी सब हैं और ये पापा के साथ स्पेशली है और ये भी दिवाली का फ़ोटो है हमारे साथ ये मम्मी है और ये मेरा एक दूसरा फैमिली है जिसके साथ हम बीच बीच में जाते हैं मिलने के लिए ये बच्चे लोग हैं प्यारे तो ये भी एक फ़ोटो हम लगाएँ क्योंकि ये भी मेरे फैमिली का ही हिस्सा हम इसको मानते हैं सो दिस आर माई फैमिली फ़ोटो फ्रेम और ये बैल्कनी इधर से भी है लेकिन इस बैल्कनी को इतना ज्यादा सजाए नहीं है तो ये नॉर्मल है रोहित को कितना सजा के देते हैं बहुत इतना बहुत है इतना मैं मैनेज करेगा अब बढ़ते हैं अपने किचन की तरफ ये है मेरा किचन जहाँ पे तो सबसे पहले फ्रिज है और अभी रहने दीजिए इतना भी साफ नहीं जो हम दिखाएंगे आप लोग को और यहाँ पे हमने कुछ फ्रूट्स रखा है रखने का तो हम फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं लेकिन दिखाने के लिए कि हाँ हमारे घर में फ्रूट्स ऐसे बड़े बड़े घर में लोग फ्रूट्स ऐसे सजा के रखते हैं ना तो हमने भी फील के लिए ऐसे दे दिया और ये हमने नए नया चूल्हा खरीदा है ब्लैक ऑनलाइन ऑर्डर किया है और ये अलमीरा में सारा कुछ सामान ऐसे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत और एक्वा गार्ड ऑर्डर किए थे जो अभी तक आया नहीं है तो एक्वागार्ड और वॉशिंग मशीन ये दोनों ऑनलाइन ऑर्डर हो चुका है जो आने वाला है लेकिन मुझे ना रहा नहीं जा रहा था सब्र नहीं हो रहा था इसलिए मुझे चल बहुत वेट कर लिए अब नहीं होगा घर दिखा देते हैं और यहाँ पे देखिए ये मेरी फैंस ने दिया था गिफ्ट मेरा फोटो फ्रेम तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि इस कॉर्नर ये कॉर्नर खाली था तो ये यहाँ अच्छा लगता और अब ये रहा मनीषा रानी का मास्टर बेडरूम सबसे पहले तो मेरा पैर पोछना देखिए कितना सही ये भी मैंने पूरे पाँच सौ में खरीदा जो कि बहुत सुंदर है इसमें आप देख सकते प्रिंट भी है विच इज वेरी क्लासी अब घर पूरा अच्छा करे तो ये सब पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना सो so, ये रहा मनीषा रानी का मास्टर बेडरूम ये मेरा बेड है और इसका भी ब्लैंकेट अभी ऑर्डर किया है आया नहीं है तो वो भी आने वाला है बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी नहीं आया तो यहाँ पे दिखाओ ये मेरा बेड है और ये बेड के दो कॉर्नर में मैंने लैंप लगाया है जिससे थोड़ा ये लैंप के वजह से एक होता ना फील आएगा अच्छा लगेगा प्यारा लगेगा तो इसलिए मैंने ये लैंप लगाया और ये मैचिंग कर्टन्स भी लगाया है आप मेरे बेड देख सकते हैं बेड और करटंस ऑलमोस्ट मैचिंग है दोनों और यहाँ पे इस वॉल में क्योंकि ये वॉल खाली था तो यहाँ पे वॉल में मैंने कोट्स लगवाया है एक दो है जो हम गूगल से कॉपी किए हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हम खुद से सोचे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के फिर लगवाए तो आइए आपको मनीषा रानी का कोट्स पढ़ाते हैं ब्लेसिंग्स आर माई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और ये तो मैंने एक हिंदी बाकी सारा इंग्लिश है ये एक हिंदी है जिंदगी एक बार मिली है तो दो बार सोचना क्यों प्यार करने से पहले खुद को रोकना क्यों खुश रहो और खुशियाँ बांटो हैश वन पीस क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और एक ये है नो मैटर हाउ हाई आई राइज आई विल ऑलवेज लुक बैक एंड अप्रिसिएट द रूट्स ऑफ माई फैमिली ये मेरे फैमिली के लिए था यू आर सो मच स्ट्रांगर दैन योर एक्सक्यूजेज क्योंकि मेरा ना कभी कभी बहुत तबियत खराब हो जाता है तो ये हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लगाए हैं ये मेरे फैमिली के लिए लगाए हैं डोंट टेल एवरी वन योर प्लान इन शो दैम योर रिजल्ट ये तो मेरे से बिल्कुल ही नहीं होता हम तो फटाफट सब बोल देते हैं ये करने वाले वो करने वाले एकदम कंट्रोल नहीं है मेरे में फिर भी ये लगा दी कि चल कुछ से हो, के हो गया तो हो गया यू डू इन इज नॉट नॉट लेजेंडरी इफ आर टू सी इट ये सब मैंने मेरा अपना है अपना जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए क्योंकि अगर वो आपका कोई जिंदगी जिंदगी नहीं है वो सक्सेस सक्सेस नहीं जिसमें आप आपके अपने आपके प्यार करने वाले वो देखने के लिए ना रहे वेन आई हेल्प अदर्स इट एक्चुअली हेल्प माई शोल तो ये तो सच में है कि हमको लोगों का मदद करके ऐसा कभी भी कुछ ऐसा करते तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कुछ किए वो मेरे आप अप, अपने आप अप में मुझे बहुत खुशी मिलता है तो डैट इज फॉर डैट आई एम द बेस्ट आई कैन डू इट अलोन गॉड इज ऑलवेज विद मी टू ड माई डे आई एम अ विनर तो ये तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए है हु इज द रिचेस्ट पर्सन द वन हु बिलीव्स दे हैव इनफ तो ये भी एक अच्छा है कि हाँ दुनिया में वो ही सबसे ज़्यादा अमीर है जो अपने आप में संतुष्ट है जिसको पता है कि नहीं भगवान मुझे जितना भी दिया आई एम सेटिस्फाइड आई एम हैप्पी ज़्यादा लालची होना भी सही नहीं है तो ये सब मैंने अच्छे अच्छे कोट्स लिखवाए जो कि हम रोज जब भी सुबह उठ के देखेंगे ये सब तो मुझे एक आ, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव वाइब मिलेगा और मोटिवेट भी होंगे ये रहा मेरा वॉड्रॉप जिसमें इसमें मेरे जैकेट्स हैं इधर मेरा टॉप है वन पीस है इसमें भी वन पीस है नीचे भी है ऊपर सारे वो कपड़े जो हम कम यूज़ करते हैं और ये वॉड्रॉप है हम्म, इसमें भी वही सारे कपड़े हैं जो हम कम यूज़ करते हैं ये लाइक स्पोर्ट्स वियर है ये मेरा और ये सारा जीन्स है और इसमें नाइट ड्रेस है इसमें सूट सलवार है ये मेरा दो बैग है और इसमें आपको दिखाते हैं इधर आओ थोड़ा क्लोज आ जाओ इसमें मेरा फाइल्स है और मेरे मेडिसिन है जो थोड़ा बहुत हम खाते वाते हैं कुछ कुछ तो ये सब हो गया और इसमें मेरा मेकअप प्रोडक्ट इसमें मेरे सारे परफ्यूम मेरा क्रीम मेरा स्प्रे और इसमें मेकअप बॉक्स है मेकअप बॉक्स अभी बहुत ज्यादा नहीं बनाए तो ये है मेरा छोटा सा क्यूट सा वॉटड्रॉफ्ट और अब आते हैं मनीषा रानी के बाथरूम में तो ये है मेरा वॉशरूम बाथरूम जो देख सकते हैं यहाँ पे हम सारा अपना शैम्पू फेस वॉश बॉडी लोशन रखे हैं और ये मेरा सुंदर सा क्यूट सा हैंड वॉश का डब्बा है जो कि बहुत प्यारा है अच्छा लगा तो हम खरीद लिए और ये आप इतना देख लीजिए मनीषा रानी अभी इतना ध्यान रखिए बकेट भी मैचिंग है मेरा ये शोप वाला भी रखने वाला भी मैचिंग है डस्टबिन भी हद तो हम कर दिए कि डस्टबिन देखिए डस्टबिन भी मैचिंग लगवाए हैं कि सब एकदम बाथरूम में भी कोई तो को मनीषा रानी पूरा खर्चा की है तो बाल्टी से लेके ले सब चीज पे मतलब एक वाइब आना चाहिए ना हाँ और ये 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 ये, ये भी मैचिंग है हाँ तो ये है मेरा बड़ा सा सुंदर सा बाथरूम देख लीजिए सब कुछ मैचिंग होना चाहिए अब मनीषा रानी जब करेगी तो सब मैचिंग करेगी और जब हम इमेजिन करते हैं मेरा पुराना वॉशरूम वर्सेस न्यू वॉशरूम तो आए हाय क्या सुकून मिलता है ये बाथरूम में तो ठीक है दो दो हम बैठते भी तो हैं तीस मिनट चालीस मिनट तो उसमें भी सुकून ही है ये भी हम लोग पैर पोछने के लिए लगा दिए हैं कि जो भी मेरे बेड पे चढ़ेगा पैर पोछ के चढ़ेगा और अब ये है मेरा बैलकनी लाइक मेरे रूम का बैल, बैलकनी तो मेरे रूम का बैलकनी का व्यू भी प्यारा है तो ये ग्रास तो वैसे तीनों बैल्कनी में हम लगवा दिए हैं इस बैल्कनी में उस बैलकनी में ये कोई गिफ्ट मिला था उसी को हम सजा दिए हैं अच्छा लग रहा था सुंदर लग रहा था और ये मेरा बैलकनी है और ये लाइट्स भी हम लगवाए थे कि थोड़ा अच्छा लगे प्यारा लगे घर कमेंट में जरूर बताइएगा कि मनीषा रानी ने मतलब बहुत मेहनत से प्यार से इस घर को हम सजाए हैं Uh, मतलब घर का शौक तो सबको रहता है मेरा भी था कि किसी दिन मेरा घर इतना सुंदर लगे दिखे और आज फाइनली मेरा घर इतना सुंदर दिख रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब पहले कभी भी फुल व्लॉग नहीं बनाते थे घर का कि लगता था यार बट अब तो सला सोख के बैठ के उठ के जाग के ब्लॉग ही व्लॉग बनेगा घर पे क्योंकि घर बहुत अच्छा डेकोरेट हो गया है एंड आई वॉन्ट टू थैंक्स टू पीपल स्पेशली मिस्ट्री काम मिस्ट्री ने बहुत मेहनत किया है और रोहित थैंक यू तो ये रोहित लाइट पकड़ रहा है रोहित लाइट पकड़ा हुआ इसलिए गाइस अभी नहीं आ सकता है वीडियो में बट बोल सकते हो बोलो हाँ हाँ हा, हाँ, हाँ, हाँ।, हाँ आ जाओ एक सेकंड आ जाओ आ जाओ आ आ अरे आज हाफ पैंट में हाफ पैंट में रोहित है सर हम आज आ जाए आ जाए इधर हम तो ये रोहित रोहित की हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि मनीषा रानी तो इन दिनों सिर्फ ऑर्डर ही दे रही है ये ले आओ वो ले आओ ये कर लो बाकी जो बिहाइंड द सीन में हो रहा है सुबह से घर साफ कर रहे थे कि पोछा लगाना है ये लगाना है वो और आज मेरा ऑफ था कुछ नहीं तो तो बोले आज हम घर साफ करेंगे तुम लोग बहुत कर लिए तो हम लोग ने मिलके किया इसको yeah. थैंक यू रो थैंक यू मिस्टर चुमंत You, और तो शॉपिंग करना होगा तो ना वो एक हजार का सामान को आपका पक्का तीन सौ में दिलवा देगी ये ऐसी बंदी मैंने एग्जाम्पल दिया तो इसने बहुत कम में सब कुछ परचेस किया जितना पॉसिबल हो सकता था और इसका ए, मतलब डेकोरेशन में भी इसने बहुत हेल्प किया रोहित ने भी किया थैंक यू मिस्टी थैंक किया और अभी घर एक लाइट ऑफ करके दिखाने वाले हैं एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज आप लोग बताइएगा कि मनीषा रानी का घर आपको कैसा लगा कुछ कुछ चीजें और बाकी है इसमें करना वो जब एक बार और हो जाएगा तो कभी वीडियो में दिखा देंगे तो ना हो अभी के लिए मेरे को रहा नहीं जा रहा था ना यार कब से हम लोग बुर्दे यार घर का ब्लॉग बनाना है? क्योंकि ब्लॉग के चक्कर में ना हम घर का कुछ अच्छा सीन डाल नहीं पा रहे थे तो हम मरे जा रहे थे कि कब घर का ब्लॉग बना दे और अभी लाइट ऑफ करने के बाद घर दिखाते हैं डन